इस मॉडिफिकेशन में मेरे बहुत सारे पैसे लग गए हैं। इस मॉडिफिकेशन में जिस बाइक के मैंने शॉक्स लगाए हैं वो YBR है, YBR 125, उसका जो पूरा हिस्सा है वो मैंने लगाया है, बहुत सारे पैसे लग गए। अच्छा जी, थोड़ा सा टायर चेंज किया, स्पीडोमीटर की सेटिंग चेंज की, लाइट्स की सेटिंग चेंज की, डिस्क ब्रेक तो कम्प्लीटली जी चेंज की है, उसको मॉडिफाई की है, क्योंकि जो सुजुकी GS की जो ब्रेक है आल तो बहुत अच्छी ब्रेक है, YBR से भी जो उसकी फ्रंट ब्रेक है ना वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत बजाते खुद बहुत पसंद है। मगर जो है अब YBR की जो कैलिपर है और जो फ्रंट ब्रेक है उसके लगाने के लिए ना हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ी, स्पीडोमीटर जिस तरह मैंने आपको बता दिया, कुछ मैंने फ्रंट बम्पर वगैरह जो है वो चेंज किए हैं इसके, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इन सारी मॉडिफिकेशन में हुआ ये है कि बाइक के जो फ्रेम है ना उसमें मैंने ज़रा सी भी चेंज नहीं होने दी, तो अभी राइट नाउ आपको दिखाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सलाम अदाब खुशामदीद और पखैर रख ले, मैं आपका होस्ट कलीम खान आज आपके लिए लेकर आया हूँ GS 150 की मॉडिफिकेशन। अच्छा जी, बेसिकली जी शॉक्स की मॉडिफिकेशन है, और शॉक्स की मॉडिफिकेशन मैंने बेसिकली 3-4 बाइक्स को चला के उनको ऑफ रोड करके ये मॉडिफिकेशन की है। बेसिकली इसका पर्पज़ क्या था, जिस तरह का मैं राइडर हूँ मुझे पसंद है जी हार्ड ऑफ रोडिंग, ठीक है, मतलब हार्ड एरियाज़ में जाना और वहाँ पे ऑफ रोडिंग करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जितनी भी खूबसूरती है वो ऑफ रोड के पीछे ही होती है। तो उसके लिए आप किसी भी बाइक पे जा तो सकते हैं, CD70 पे भी इवन जा सकते हैं, 125 पे भी जा सकते हैं, कोई भी दुनिया की जो बाइक है आप जा सकते हैं। कुछ धक्का लगा के जाएंगे, कुछ रुक रुक के जाएंगे, मेरा कंसर्न ये होता है कि मैं वन गो में जाऊँ और ईज़िली जाऊँ, बाइक को भी नुकसान ना हो और मैं अपना सामान भी साथ ले जाऊँ। तो इसके लिए सुजुकी GS 150 स्पेशल एडिशन में मैंने मॉडिफिकेशन की है, मॉडिफिकेशन आल तो महंगी है, आप ख़ुद देख लीजिएगा। तो ये मॉडिफिकेशन का मकसद ये था कि मैंने कोई बाइक को ट्रेल बाइक नहीं बनाना था, मैंने अपने बाइक को कंफर्टेबल बाइक बनाना था, क्योंकि हम नॉर्मल बाइक्स पे ऑफ रोडिंग करते हैं। तो अभी ले कर चलता हूँ जी, मैं आपको इंतज़ार मज़ीद नहीं कराता और ये दिखाता हूँ कि इस शॉक्स की हमने फिटिंग कैसे की और कैसा रिज़ल्ट रहा है, सारी चीज़ें आने वाले व्लॉग में। चलते हैं जी व्लॉग की तरफ। दोस्तों थोड़ा सा हाइट पे आ गया है GS 150, खूबसूरत भी लग रहा है, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब जितना फ्रंट जो है YBR के जो शॉक्स लगाने की वजह से जो है मेरा हैंडल जो है वो ऑटोमेटिकली ऊंचा हो गया, ये कान आप देख सकते हैं। अब जो बेसिकली इसकी हमने सेटिंग की है उसकी तरफ चलते हैं। अब उस सेटिंग में बेसिकली क्या क्या चीज़ें थी, सबसे बड़ा चैलेंज ही इस ब्रेक को ब्रेक की सेटिंग करना था। अब बेसिकली होता क्या है, सुजुकी GS की जो फ्रंट ब्रेक है वो लेफ़्ट साइड पे, डिस्क स्पेशल एडिशन क्योंकि अलॉय रिम लगे हुए थे उसकी होती थी लेफ़्ट साइड पे, तो ये इसकी अपनी जेन्युइन सेटिंग्स के पेज ये लगे हुए हैं। हमने एक छोटी डिस्क बनाई, छोटी डिस्क के बाद YBR की जो ये तवा लगाया ये इसकी अपनी ओरिजिनल सेटिंग्स के पेज थे, फिर उसके बाद हमने ये पेज लगा के इस डिस्क को फिट किया, फिर हमने YBR का कैलिपर लगाया, कैलिपर के साथ ये हमने पाइप एक अलहदा से परचेज़ किया, हाल तो ये सेटिंग बहुत अच्छी आ चुकी है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो फ्रंट मड गार्ड है और ये जो बैक मड गार्ड है इसकी फिटिंग की। अब हुआ ये कि ये मुकम्मल हिस्सा था, जब ये वाला जो पार्ट हमने इसमें लगाया तो इसके साथ हमें जो है मड गार्ड की भी जो है ना वो सेटिंग करनी पड़ी, जिस तरह ये देख सकते हैं कि हमने प्लेट लगाई उसमें पेज लगाए, तो अब ये चारों पेज जो है ना इसमें एडजस्ट हो चुके हैं। कान हमने सुजुकी GS की लगा दिए और उसके साथ एक रबड़ लगा दी और इसकी सेटिंग जो है ना वो कम्प्लीट हो चुकी है। दोस्तों जो सेटिंग्स में से जो एक तो ये इग्निशन स्विच था ये हमने लगाना था। अच्छा, इसके साथ ना हैंडल लॉक भी लगाना था, क्योंकि YBR में ये होता है कि वो यहीं से जो है ना उसका हैंडल लॉक लगता है, तो हमने हैंडल लॉक भी इसी में इसका एडजस्ट किया। दूसरा ये जो था कि जो फ्रंट ब्रेक थी YBR की, उसका जो ये लीवर था ब्रेक लीवर, फ्रंट ब्रेक लीवर, वो थोड़ा सा बड़ा था, वो इस फिटिंग में नहीं आ रहा था, तो हमने सुजुकी GS की लगा दिया, सिर्फ जो है वो कैलिपर हमने चेंज किया। उसके बाद जो मेन हमें प्रॉब्लम आई है वो इस सेटिंग में आई है,
अब इस सेटिंग में क्यों आ रही थी, क्योंकि जो वाइबी आ रहा है उसकी अपनी सेटिंग थी, तो वो इस एरिया के अंदर नहीं आता था, वो बड़ा था। तो और ये जो सुजुकी जीएस की जो अपनी सेटिंग्स हैं उसमें ये जो एरिया था वो उसको कम पड़ रहा था, मगर हमने फिर खरादी के बाद जाके उसकी सेटिंग करके इसको बना दिया। अब जो इसका आप रिव्यू चाह रहे होंगे कि ये तो आपने बहुत सारा खर्चा कर दिया, तो अब इसके रिव्यू में मैं आपको ये बात बता दूँ, तो पहली तो आप देख सकते हैं कि जी बाइक की हाइट ज़्यादा हो चुकी है। ये मड गार्ड जो था, यहाँ से जो पहले मैंने पाइप जो है ना वो कटवाया था, क्योंकि ये देख सकते हैं कि ये लग लग के ना इसके साथ, तो इस ये शुक्र है टूटा नहीं है, बहरहाल इसका ना बेड़ा गर्क हो गया। तो अब ये जो टायर है, अगर हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करूँगा तो ये पीछे जाके नहीं लगता, ये जो पाइप था ये इसी वजह से मैंने कटवाया था। तो अब दूसरा इसका आप देख सकते हैं कि ये वाला जो स्पीडोमीटर की जो केबल है वो हमने यहाँ पर लगा दी, ताकि हमारा स्पीडोमीटर भी चलता रहे। तो जीएस की जो थी वो इस साइड पे ब्रेक लगी हुई थी, और ये वाला जो हिस्सा था वो राइट साइड पे था स्पीडोमीटर का। तो अब ये दोनों सेटिंग्स जो है ना हमने चेंज कर दी। अच्छा, ब्रेक भी जी 100% रिलायबल ब्रेक है, कोई इशू नहीं है इसका। और अगर आप देखें तो दूसरी जो अहम बात है वो स्पीडोमीटर की जो सेटिंग थी, स्पीडोमीटर की सेटिंग ये थी कि जो प्लेट थी, अगर सुराख यहाँ पे था तो हमने यहाँ पे करके ये दो पेच में इसकी जो है ना वो सेटिंग्स हमने कर ली, ताकि जो है ना स्पीडोमीटर ओरिजिनल ही रहे, हमें किसी और बाइक का ना लगाना पड़े, और सेटिंग भी हो जाए। अभी ये हिलता भी नहीं है, बेहतरीन सेटिंग हो चुकी है। अगर कोई दोस्त इसे दूर से देखेगा तो उसको आइडिया नहीं होगा कि बेसिकली ये कौन सा बाइक है, वो यही कहेगा ये सुजुकी जी एस है। मगर इसमें जो मेन मॉडिफिकेशन है वो शॉक्स की है। शॉक्स को क्यों चेंज किया, ये मिलियन डॉलर का सवाल है। चले मैं इसका आपको जवाब देता हूँ दोस्तों। इस शॉक्स के साथ जो है मैंने ऑफ रोड की है, अगर ऑफ रोड की वीडियो आपने देखनी है तो ये ऊपर आपको नज़र आ जाएगी। अच्छा, ये शॉक्स क्यों चेंज किए? अच्छा, अब होता ये था कि मैं बेसिकली CD70 से मेरा सफ़र का आगाज़ हुआ मोटरसाइकिल का, 12 साल वो मैंने चलाया, उसके बाद मैंने 6-7 साल 125 चलाया, 125 के बाद सुजुकी GS लिया। अच्छा, CD70 भी मेरे पास है, CG125 भी है और सुजुकी भी है मेरे पास। अब 125 का जो बेसिकली है ना वो, उस पर तो आप ऑफ रोड हार्ड कोर नहीं कर सकते, सवाल नहीं पैदा होता, उसके हैंडल में से अजीब व गरीब सी आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो होंडा 125 इज़ नॉट अ ऑप्शन फॉर ऑफ रोड, ठीक है। लोग करते हैं मगर उनसे पूछे भी तो सही ना कि यार खुशी खुशी की है या कोई तकलीफ़ हुई है। बेसिकली होता यह है कि सुजुकी GS को हम जितनी भी ऑफ रोड्स पे लेके गए हैं, हमने बाइक का काम कभी नहीं कराया, मतलब हमें टेंशन नहीं होती, हमें पता है कि यार ये तकलीफ़ जो है ना 125 तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगा, मगर सुजुकी GS बर्दाश्त कर जाता है। और हमारी जहन में भी नहीं आता कि इसका बाद में शॉक्स का काम कराना पड़ेगा, काम नहीं कराना पड़ेगा। जो सबसे मज़ेदार बात YBR के शॉक्स की ये है कि जब आप खड्डा आता है तो बाइक को आप बेशक झंप दे दें या उसके ऊपर से गुजर जाएं, तो इसके शॉक्स जो है ना वो फ़ौरन वापस आ जाते हैं। तो CG125 और सुजुकी GS के जो शॉक्स हैं ना, जब वो प्रेस में जाते हैं तो वो होता यह है कि वो आपके बाइक को उठाते हैं, उस उठाने में ना गिरने के चांसेस 100% होते हैं। मैं 2 मरतबा गिर चुका हूँ। एक तो हमारा राइडर था जिसमें हम एक ऑफ रोड रेस पे गए थे, तो एक छोटी सी झंप आई, उस झंप से तकरीबन वो 5-6 फुट ऊपर चला गया था, और बड़े शदीद उसके ना सीने पे हैंडल लगा था सुजुकी GS का। अल्लाह का शुक्र कि उसकी जान बच गई, बड़ी मुश्किल से उसको फिर हमने पानी पिलाया, उसका सीना मला ठीक है, उसको कोई मेडिकेशन की माल, तो ही वाज राइट अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑफ रोड पे बेसिकली आप मल्टीपल प्रेसेस जब देते हैं सुजुकी GS को, तो होता यह है कि उसके शॉक्स जो है ना वो बिल्कुल प्रेस हो जाते हैं, और इक्का दुक्का जो ऐसे जंप होते हैं जिनके ऊपर से आपने हर सूरत गुजरना ही होता है, उसमें क्या होता है कि जब खड्डा लगता है तो शॉक्स आपको ना उठा के ऊपर फेंकता है। तो खैर, ये जब आप हार्ड कोर ऑफ रोडिंग स्पीड में करेंगे तो ये बिहेवियर जो है बाइक का, तब आपको इसका अंदाज़ा होगा। तो ये मेरा अपना जो फीलिंग्स थी, मेरा अपना एक्सपीरियंस था। मल्टीपल मैंने दोस्तों से बात की, उन्होंने भी सेम शिकायत की,
ऑल तो अगर आप ऑफ रोडर हैं, हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करते हैं और स्पीड में करते हैं तो आपको ये चीज़ महसूस होगी। तो इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, तो लिहाजा जो है ना मैंने अच्छे बल्ले जो है ना पैसे लगा दिए, तकरीबन 50 से 55 हज़ार रुपया, क्योंकि डॉलर की प्राइस स्टेबल नहीं है पाकिस्तान में, तो 50 से 55 हज़ार रुपये का ये आपका ख़र्चा हो सकता है। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, मगर जो है मेरा एक और दिल है कि मैं एक दो सख्त किस्म की ऑफ रोडिंग इसमें करूँ, फिर आपको उसके बाद अपना ओपिनियन दूँ कि ये कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का भी लोग इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए, जो ऑफ रोडर्स हैं GS 150 के, उनके लिए तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ थी जो मैं लेकर आया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस तरह ही मैं इसकी 2-3 मज़ीद ट्राइयाँ कर लेता हूँ तो इंशाल्लाह मैं अपना आपको रिव्यू लाजमी दूंगा। मुझे क्या प्रॉब्लम्स इसमें आई हैंडल वाइज और सस्पेंशन वाइज, वो इन फ्यूचर व्लॉग्स में मैं आपको शेयर करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, कलीम खान को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।